हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए आज के सेशन में। अभिप्रेरणा यानी एंड संयोग संवेग यानी कि मोटिवेशन एंड इमोशन, यहाँ मोमेंटम नहीं है, इमोशन है। तो अभिप्रेरणा एवं संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। एक आपका व्यक्तित्व हो गया, पर्सनालिटी, एक अभिप्रेरणा अवश्य पूछा जाता है। दोनों टॉपिक को क्लियर रखिएगा। तो जैसे कि आपके बिहार स्टेट दिए थे तो उसमें 5-6 क्वेश्चन अभिप्रेरणा 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 आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा पूछा था। आई होप कि सभी क्वेश्चन आप सभी सही किए होंगे, बट इससे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इसलिए इससे 5-6 वीडियो अभिप्रेरणा से रिलेटेड रहेंगे। अब 5-6 वीडियो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभिप्रेरणा से कोई भी क्वेश्चन आएगा मोटिवेशन से, उसमें आपका गलती नहीं होगा। तो चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी हो, चाहे बिहार या स्टेट हो, बिहार बीपीएससी 10th 12th हो, चाहे एमपी वर्ग 2-3 फिजिकल एजुकेशन टीचर हो ऑल स्टेट, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको दे देते हैं। अभिप्रेरणा सबसे पहले तो आपको जिसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, सीखने का केंद्रीय तत्व है रुचि, याद रखिएगा। सीखने का केंद्रीय तत्व रुचि है और जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, इस तत्व के साथ संबंधित है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचे तो अभिप्रेरणा सीखने की क्रियाओं में विद्यार्थी की रुचि को उत्पन्न एवं उत्प्रेरित करने के साथ संबंधित है। अगर किसी कार्य में आपको रुचि है तो आप अंदर से मोटिवेट होके, अभिप्रेरित होके उसको कार्य करते हैं और वो 100% आपका कार्य होता है, क्योंकि आपका रुचि और प्रेरणा दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी अभिप्रेरणा के लिए बुनियाद या न्यू अभिप्रेरक या मोटिव होते हैं, जो आपके लक्ष्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है। वास्तव में यही अभिप्रेरक यानी कि मोटिव होते हैं समस्त व्यवहार की बुनियादी शक्ति है। हम जो कुछ करते हैं और जिस प्रकार करते हैं उसके पीछे बुनियादी अभिप्रेरक यानी कि मोटिव का कार्य कर रहा होता है। दोस्तों, अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा द्वितीयक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राथमिक अभिप्रेरक या सकारात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक या सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरक के अंतर्गत जो जन्म से विद्यमान होता है, जैसे भूख, प्यास, दर्द, मुक्ति, नींद, आराम, ये जन्म से विद्यमान है, ये आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आती है। एंड जो द्वितीयक अभिप्रेरणा सेकेंडरी मोटिव होती है, जिसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ये जन्म से विद्यमान नहीं होती, अपितु जन्म के पश्चात धीरे धीरे अपना रूप लेते हैं। जैसे अपनत्व, प्यार की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता, समाज में पहचान की आवश्यकता, आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है उससे अभिप्रेरित होकर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वह अभिप्रेरणा हुआ। लेकिन आपके अंदर से कुछ प्रेरणा जागी है, आपको अंदर से रुचि जागृत हो रही है कि हम इस कार्य को करेंगे, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। बेस्ट कौन होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम किसी नए व्यवहार के साथ प्रयोग करते हैं तो संभावित परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी नए व्यवहार के साथ प्रयोग करते हैं, या तो उसका परिणाम सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, एक तटस्थ निश्चित हो सकता है या सजा हो सकता है। तो यहाँ पे या सकारात्मक हो सकता है पुनर्बलन, या नकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है, या एक तटस्थ उत्तर भी हो सकता है, एक सजा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। समझने की कोशिश करिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा के उच्चतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक प्रेरणा के उच्चतम स्तर को प्रवाह यानी एक फ्लो कहा जाता है, फ्लो।
आंतरिक प्रेरणा जो उच्चतम स्तर को आत्मनिर्णय को दर्शाती है। इसमें ऐसे कार्य व्यवहार शामिल हैं जो आत्मा आत्मपूर्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाह्य प्रेरणा नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। देखिए, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार मिलेगा, आप उस काम को और अच्छे से करेंगे, ये तो बाह्य प्रेरणा हुआ। सजा हम दे रहे हैं या पुरस्कार दे रहे हैं, दोनों बाह्य प्रेरणा हुआ। प्रशंसा हम कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा से वशीभूत होकर हम कार्य करेंगे, ये गलत बात है। आप अपने अंदर के आत्मा से वशीभूत होकर कार्य करिए, वो सही है, वो सकारात्मक है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब प्रशंसा और पुरस्कार तो हमेशा क्षणिक होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? तो पुरस्कार, सजा और प्रशंसा तीनों बाह्य उत्प्रेरणा हैं, जबकि आपकी इच्छा जो है वह आंतरिक अभिप्रेरणा है, वह अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, डिजायर यानी इच्छा, यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। तो शिक्षा के प्रति जो छात्रों की अभिवृत्ति होती है कहाँ से प्रभावित होती है? आप अपने लाइफ में घुस के देखेंगे तो आंसर आपको आराम से आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि आपकी बुद्धि कैसी है, वो भी आपको प्रभावित करती है। आपका वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो शिक्षा के प्रति बात हो रही है कि छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है तो बुद्धि एवं वातावरण से, यानी कि इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंट से। नेक्स्ट है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, कि इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, यानी कि जो निष्पत्ति योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का परिणाम क्या होता है, निष्पत्ति का समीकरण किसने दिया था? तो वुडवर्थ ने दिया था। उनके अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की गतिविधियों का उसके पर्यावरण से संबंध से विज्ञान का अध्ययन है। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, स्थिति जन्य कारक शीघ्रता से अभिप्रेरण में बदलाव लाते हैं। बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा नहीं पूछेगा, आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन याद कर ले या डायरेक्ट आंसर पूछेगा तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अभी से मेहनत से जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। स्थिति जन्य कारक शीघ्रता से अभिप्रेरणा में बदलाव लाते हैं, तो वो कौन सा होता है? लक्ष्य की स्थापना, यानी कि एक का टू हो जाएगा, आप किसी लक्ष्य पर आधारित हैं तो आपका अभिप्रेरणा शीघ्रता से उसमें आप बदलाव लाएंगे और उस पर लग जाएंगे, अगर निश्चित लक्ष्य है तब। बी है, निजी कारक शीघ्रता से अभिप्रेरण में तनाव बदलाव नहीं लाते हैं, तो कौन हो सकता है? परिणाम विश्लेषण। परिणाम विश्लेषण के बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप अच्छे से कार्य को नहीं कर पाएंगे। आप कर्म कीजिए, परिणाम तो आपके कर्म के अनुसार आएगा ही। सी है, स्थिति जन्य कारक शीघ्रता से अभिप्रेरण में बदलाव नहीं लाते, तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? अन्यों की उपस्थिति जो है वो शीघ्रता से अभिप्रेरणा में बदलाव नहीं लाते। डी है, निजी कारक जो शीघ्रता से अभिप्रेरणा में बदलाव नहीं लाते, वो आपका हो जाएगा थर्ड, ध्यान का केंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ए
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड। कथन ए है कि किसी परिणाम के कारणों का प्रतिभागी का बोध परवर्ती अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। ये बात सही है। आर है कि सकारात्मक परिणाम जिन्हें बाह्य पर्यावरणीय कारक नहीं बल्कि आंतरिक वैयक्तिक कारकों का परिणाम समझा जाता है गर्व तथा संतुष्टि से संबंधित है। तो यह आर भी सही है, ये भी सही है। दोस्तों जो आप थ्योरी पढ़िए, जो लाइन पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए। ये क्या कह रहा है कि परिणाम सकारात्मक परिणाम जिन्हें बाह्य पर्यावरण कारक नहीं यानी कि जो सकारात्मक होता है बाह्य नहीं होता कभी बल्कि आंतरिक वैयक्तिक कारकों का परिणाम समझा जाता है। तो जो सकारात्मक होगा हमेशा आंतरिक के साथ जाइएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा वन लाइनर भी पूछेगा तो भी। इसलिए हर एक थ्योरी से आप जो सही है उसमें एक क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष से नीचे तक सही क्रम का पता लगाइए। तो शीर्ष से नीचे तक सही क्रम का यहां पे पता लगाना है। तो यहां पे शीर्ष से नीचे तक सभी क्रम का पता लगाना है। तो यहां पे एक क्वेश्चन ज्वाइंट से रिलेटेड है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक आपको क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सूचर। सूचर किसको कहते हैं, ये अचल संधि के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारे शरीर में तीन प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, संधि होती हैं, चल, अचल और अर्धचल, जिसमें अचल संधि हमारे सिर की संधि आता है जिसे सूचर ज्वाइंट भी कहते हैं। खोपड़ी की संधि को सूचर ज्वाइंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही आएगा क्योंकि ये शीर्ष से नीचे तक बोला है, ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले चौथा आएगा आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। उसके बाद आपका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस किसे कहते हैं, ये भी अचल संधि के अंतर्गत आता है। गोम्फोसिस को पेज एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं, जो दांतों का जोड़ होता है वो भी अचल संधि के अंतर्गत आता है। तो सूचर्स के बाद क्या हो जाएगा, गोम्फोसिस, दांत का ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फेसेट संधि। इसके बारे में को नहीं पता, आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, फेसेट संधि। फिर लास्ट में आपका आएगा प्यूबिक सिम्फेसिस। क्या आएगा, प्यूबिक सिम्फेसिस, जो अर्धचल संधि के अंतर्गत आता है। ये जो टेल बोन के पास का जोड़ होता है, कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आप भूल जाइए कि आप सीधा सीधा क्वेश्चन के चक्कर में पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव के निम्नलिखित अंतः संबंधित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सही अनुक्रम आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समय को बचत करते हुए मैं जल्दी से आंसर आपको बताती हूँ कि तनाव के निम्नलिखित अंतः संबंधित चरणों को सही अनुक्रम भी व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पर्यावरण संबंधी मांग होगा। क्या होगा, पर्यावरण संबंधी मांग होगा। उसके बाद आपका मांग की व्यक्तिगत अवधारणा आप करेंगे, फिर तनाव की अनुक्रिया करेंगे। परिणाम तो लास्ट में आता है इसलिए लास्ट में परिणाम रख देंगे, यानी कि व्यवहारात्मक प्रतिफल का परिणाम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि आधारित पाठचर्या पूरा करती है। तो क्या पूरा करती है, उपलब्धि आधारित पाठचर्या जो है
क्या पूरा करती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और डी, यानी कि उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है एंड अधिगम में दुसाध्यता की शीघ्र पहचान करती है। ठीक है, ये दोनों राइट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या यानी कि अचीवमेंट बेस्ड कैरिकुलम निम्नलिखित तथ्य को पूरा करता है, विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को, अधिगम में दुसाध्यता की शीघ्र पहचान को, यानी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम बनाने या संशोधित करने के लिए केली और मेलोग्रानो ने उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या की समझ विकसित की। ABC मॉडल का उपयोग K-12 मानकों आधारित शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को विकसित, संशोधित और कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। यह पाठ्यक्रम स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षकों के राष्ट्रीय मानकों और K-12 शारीरिक शिक्षा के लिए ग्रेड स्तर और शारीरिक शिक्षा के लिए विभिन्न राज्य मानकों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है। K-12 शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक और ग्रेड स्तर राज्यों, जिला स्कूलों और उचित मानक आधारित शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों के दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो कारकों का अनुसरण करके अभिप्रेरक प्रतिपुष्टि निष्पादन को सुकर बनाने का प्रयास करती है? तो कौन सा दो कारक अनुसरण करके अभिप्रेरक यानी जो मोटिवेशन है उसकी प्रतिपुष्टि को निष्पादन को सुकर अच्छा बनाने का प्रयास करती है, कौन सा ऐसा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकारात्मक मनोदशा का सृजन करते हुए एंड विश्वास के उन्नयन करके। आप आसानी से बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं कि कौन किस कारक का आप अनुसरण करके अपने अभिप्रेरक की प्रतिपुष्टि का अच्छे से अच्छा बनाने में प्रयास कर सकते हैं। जब आपका मनोदशा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक मनोदशा का आप सृजन करते हुए कोई कार्य करेंगे और अपने अंदर विश्वास बनाए रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप तो बुक खरीद के पढ़ते ही हैं बट आपका मन नहीं लगता है, बट जब मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में करती हूँ तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि वे दोनों कारक निम्न हैं जिसका अनुसरण करके अभिप्रेरक प्रतिपुष्टि निष्पादन को सुकर बनाने का प्रयास करती है, वो है सकारात्मक मनोदशा का सृजन करते हुए और विश्वास में उन्नयन करके। प्रतिक्रिया मतलब होता है फीडबैक, याद रखिएगा, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। और फीडबैक सदैव दो बुनियादी प्रकारों में विभाजित होती है, विकासात्मक और प्रेरक। फीडबैक रिलेटेड क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। तो फीडबैक हमेशा दो बुनियादी प्रकारों में विभाजित होती है, विकासात्मक और प्रेरक। विकासात्मक प्रतिक्रिया वह जगह है जहां आप एक व्यक्ति की जानकारी देते हैं, एक व्यक्ति को जानकारी देते हैं जो उन्हें कुछ करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये विकासात्मक प्रतिक्रिया हुआ, फीडबैक हुआ। और प्रेरक प्रतिक्रिया क्या हुआ, याद रखिएगा, प्रेरक प्रतिक्रिया वह है जहां आप किसी को उस व्यवहार को मजबूत करने के तरीके के रूप में क्या कर रहे हैं इसके लिए स्वीकृति देते हैं। तो फीडबैक कितने प्रकार का हुआ, विकासात्मक और प्रेरक। ठीक है, अब किसी को आप कुछ जानकारी देते हैं, कुछ करने में मदद करते हैं, तो वो हुआ आपका विकासात्मक फीडबैक। जबकि आप किसी को उस व्यवहार को मजबूत बनाने के लिए तरीके बताते हैं कि कैसे करें, वो होता है आपका प्रेरक फीडबैक। नेक्स्ट है, बस AH और पेरी M 1992 ने एक एग्रेशन स्केल का निर्माण किया जिसमें चार कारक शामिल हैं। कौन कौन से चार कारक शामिल हैं इसमें? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, शारीरिक
आक्रामकता, मौखिक आक्रामकता, क्रोध और शत्रुता ये शामिल हैं। नेक्स्ट है, मास्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का संतुष्ट विकास किया, जिसका लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं के सभी प्रकारों की व्याख्या करना था तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए लोग जिन आवश्यकताओं का चयन करते हैं उनको उन्होंने चिन्हित किया है। ये आवश्यकताएं क्या हैं? सबसे पहले आपको शारीरिक आवश्यकता होगी, क्या होगी? सारी बौद्धिक आवश्यकता जो अध्यात्म है वो लास्ट में होगा। मास्लो की अभिप्रेरणा के आवश्यकता सिद्धांत में 5 बातें आती हैं। पहले शारीरिक आवश्यकता, आप अपने शारीरिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। उसके बाद सामाजिक, उसके बाद सुरक्षा की आपको आवश्यकता होती है। आप कोई चीज़ ग्रहण कर लिए, उपलब्धि हासिल कर लिए, अब उसको सुरक्षा सोचेंगे कोई कुछ चुरा न ले या आपको कोई दिक्कत ना हो, तो उसके बाद आपको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप शारीरिक आवश्यकता भी पूरा कर लिए, सुरक्षा भी पूरा कर लिए, अब आपको एक समाज की ज़रूरत होती है, सामाजिक आवश्यकताओं की। अब सामाजिक आवश्यकता भी हो गई, अब आपको लगता है कि हम अब सब कुछ प्राप्त कर लिए, अब हमको समाज में कुछ सम्मान चाहिए, तो सम्मान पाने की आवश्यकता होती है। आप 5वां स्टेज में होता है कि अब आपने अपनी आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, उपलब्धि भी प्राप्त कर लिए, सुरक्षा भी प्राप्त कर लिए और समाज में भी रह लिए, समाज में सम्मान पाने की आवश्यकता भी हो गया। अब आपको आता है एक अध्यात्म की तरफ, एक बौद्धिक आवश्यकता, लास्ट में आपका हो जाता है बौद्धिक आवश्यकता, शांति की आवश्यकता। तो इस प्रकार मास्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का संतुष्ट विकास किया, जिसका लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं के सभी प्रकारों की व्याख्या करना था तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए लोग जिन आवश्यकताओं का चयन करते हैं उसमें शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता और बौद्धिक आवश्यकताएँ हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेरे वीडियो से पढ़ने में बोरिंग महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फैक्ट चीज़ें लाती हूँ आपके एग्जाम में 100% आता है, और आप सोचेंगे कि हम मज़ा लेके कुछ प्राप्त कर ले या हमको दर्द हो रहा है या हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो पार होना मुश्किल है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, पहले का ज़माना नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं, तो किसके माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के। किसके? मनोविश्लेषण सिद्धांत की, साइको एनालिटिक थ्योरी। एंड जो सभी सिद्धांत है मैंने बार बार हर एक वीडियो में रिपीट किया है, आई होप कि सभी चीज़ें आपको याद होगा, जैसे सरपस एनर्जी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है, पुनः अवलोकन धारणा स्टैनली हाल ने दिया है, भविष्यदर्शी धारणा कार्ल ग्रूस ने दिया है, रेचन विरेचन धारणा अरस्तु ने दिया है, सोशल थ्योरी अरस्तु ने दिया है, खेल जीवन धारणा जॉन डेवी ने दिया है, इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एथलीट का कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है? तो सही आंसर तो आप देखते ही टिक कर दिए होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे लगातार अभ्यास, लंबे समय तक अभ्यास, संगत अभ्यास, सही और पर्याप्त अभ्यास। ये क्वेश्चन सरल अवश्य है लेकिन बहुत कठिन भी है, जो सही से समझेगा नहीं, इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन है? सही और पर्याप्त अभ्यास, सही और पर्याप्त अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, सही और पर्याप्त अभ्यास। ऐसा थोड़ी है कि आप लंबे समय तक करते जा रहे हैं और डायरेक्शन ही आपका गलत है, गलत चीज़ को, गलत अभ्यास को कर रहे हैं, तो इससे तो आपका निपुण बनेंगे नहीं, इसलिए सही और पर्याप्त अभ्यास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। यानी कि एक एथलीट का सही और पर्याप्त अभ्यास ही मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है। जन्मजात क्षमता पर भरोसा करना केवल एक एथलीट को अब तक ले जाएगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण मानसिक कौशल के माध्यम से है कि एक एथलीट सफलता की ओर बढ़ेगा कब? जब वो सही और पर्याप्त अभ्यास करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? कृत्रिम अभिप्रेरणा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है
उसे प्राथमिक अभिपीड़ा या सकारात्मक अभिपीड़ा या आंतरिक अभिपीड़ा कहते हैं। और कृत्रिम अभिपीड़ा कौन हो गया, जो वह अभिपीड़ा है जिसे नकारात्मक अभिपीड़ा या सेकेंडरी अभिपीड़ा कहते हैं। तो आप इसको, इसमें आपको छांटना है कि कौन कृत्रिम अभिपीड़ा का प्रकार नहीं है, कृत्रिम यानी वह अभिपीड़ा का प्रकार नहीं है, कौन इसमें नहीं है दोस्तों। तो प्रशंसा और भर्सना ये दोनों है आपका कृत्रिम अभिपीड़ा। पुरस्कार और दंड ये दोनों कृत्रिम यानी वह अभिपीड़ा है। प्रभाव का नियम, आप किसी को पुरस्कार देंगे या आप किसी में आम मेरा, तो ये क्या हुआ, ये तीनों के तीनों हैं कृत्रिम अभिपीड़ा यानी वह अभिपीड़ा। जबकि सहज क्रियाएं जो आंतरिक अभिपीड़ा होती हैं, अपने आप होती हैं, आपका उसमें बस नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक अभिपीड़ा वह अभिपीड़ा, और कृत्रिम अभिपीड़ा में भर्सना, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रभाव ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो शिक्षक का आदर्शवादी जो दर्शन होता है वो छात्रों को ज़्यादा पसंद आता है। यानी कि एक महान शिक्षक के पांच गुण होते हैं, कौन कौन से, अपने छात्रों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता होना चाहिए, रोगी देखभाल करने वाला और दयालु व्यक्तित्व का होना चाहिए, शिक्षार्थियों का ज्ञान को विकसित करने वाला होना चाहिए, शिक्षक के प्रति समर्पित होना चाहिए, विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्त करना, ये सभी गुण होना चाहिए एक शिक्षक में। एंड नेक्स्ट है, कौन सा खेल आंतरिक पुरस्कार है। तो दोस्तों मान्यता, किसी के मान्यता के अनुसार आप जी रहे हैं इसका मतलब ये आंतरिक पुरस्कार नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हैं ये भी नहीं है। आपका कौन सा है सही आंसर, आपने टिक कर दिया होगा, आंतरिक पुरस्कार है आत्मसम्मान। यानी खेल का आंतरिक पुरस्कार आत्मसम्मान, आंतरिक और बाहरी दो प्रमुख श्रेणियों में आते हैं। तो आंतरिक पुरस्कार कौन है, आत्मसम्मान, यानी जो एथलीट आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं वे खेल में आंतरिक कारणों से भाग लेते हैं, जैसे कि आनंद, किसी के दबाव में आप कुछ काम कर रहे हैं तो कभी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अंदर से मोटिवेट होइए कि हमको पढ़ना है। इस अभिप्रेरणा की वीडियो को देखकर आप अपने आप को भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं कि किसी के दबाव बस या किसी के कहने से हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप जो जी रहे हैं क्वेश्चन को भी उसी से रिलेट करके पढ़िए, आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम अच्छी विषय सामग्री तो हो नहीं सकता, किसी भी टीचर का सख्त अनुशासन कभी सही नहीं होगा, याद रखिएगा, सख्त अनुशासन आप बरत के अच्छा टीचर नहीं बन सकते। छात्रों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं कर सकते कि वो जो मन सो करे। आपका सही जवाब होगा छात्रों पर प्रभाव, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर छात्रों का प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण छात्रों पर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। अच्छे अंक हासिल करने में उम्मीदवार की दक्षता के संदर्भ में शिक्षण की प्रभावशीलता को आंका जाना चाहिए। व्याख्या, अधिक पास आउट प्रतिशत, अधिक प्रभावशीलता शिक्षण, जो पेशे में एक अनूठे अंगूठे का नियम है दोस्तों। जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं वो छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, याद रखिएगा, वही अच्छा शिक्षक होता है। नेक्स्ट है, सामने तल पर होने वाली प्रभावित गति होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सामने तल यानी कि फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन वाली संभावित गति होती है। तो दोस्तों जो प्लेन होती है तीन प्रकार की होती है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। इससे क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन या स्टेट में पूछा था। आप जब कोई भी जब अच्छा से प्लेन और एक्सिस को पढ़ के नहीं गया होगा वो आंसर नहीं दे पाया होगा, क्योंकि एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ था और इजी भी था, जिसे आ रहा है उसके लिए एकदम इजी था, और जो थोड़ा समझने में कंजूसी किया था उसके लिए कठिन था। तो आप डीपली पढ़े हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या पूछा है,
आपको अच्छे से डिफिनेशन पता है, उसके बारे में पता है, तो आराम से आंसर दे लेंगे। जो फ्रंटल तल होता है शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, और गति जो है वो दाएं बाएं होती है, यानी कि एबडक्शन एडक्शन। एबडक्शन शोल्डर को ऊपर उठाना यानी कि मध्य शरीर से दूर ले जाना, और एडक्शन शरीर की ओर लाना। ये दोनों गति हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि तल जो है, प्लेन जो है, तीन प्रकार का होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, या शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति जो है आगे पीछे यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, और गति दाएं बाएं होती है यानी एबडक्शन एडक्शन मोमेंट होता है। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, और गति भी सभी घूर्णनीय और चक्रीय गतियां होती हैं, उसे सर्कमडक्शन कहते हैं। तो ये तीन प्लेन होती हैं, एक्सिस भी तीन होती हैं, फ्रंटल, सेजिटल और वर्टिकल, जिसके बारे में मैंने किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 4 किलोग्राम भार का गोला 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंका जाए, तो इसका संवेग क्या होगा? तो 10 × 40 यानी 40 किलोग्राम, ठीक है, प्रति 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था हर्ज़बर्ग के द्वारा। जबकि एक और होता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ प्रेरणा का द्विकारक दिया है, दोनों में अंतर समझिएगा। प्रेरणा का द्विकारक हर्ज़बर्ग, बुद्धि का द्विकारक स्पीयरमैन। एक तत्व का सिद्धांत बीने ने दिया था, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हर्बर्ट बीने ने किया था 1905 में। यह प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है जिसे हर्ज़बर्ग ने दिया था। और इन्होंने प्रेरणा के लिए दो प्रमुख कारक, संतोष कारक तथा असंतोष कारक को जिम्मेदार बताया। ये दोनों कारक कार्य की प्रकृति से जुड़े होते हैं और कार्य के अंतर्निहित होते हैं। ये व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन और प्रयास के लिए प्रेरित करने में प्रभावी है। नेक्स्ट है, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन पे आप फंसेंगे, एक प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत, एक प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत, दोनों में अंतर है। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत दिया था स्किनर ने, और प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। दोनों में अंतर समझिए, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत आए तो स्किनर, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत जिसमें से 5 आवश्यकता मैस्लो ने बताया है, पिछले प्रश्नों में मैंने बता दिया है, तो प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो। तो प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, यानी प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। स्किनर के अनुसार प्राणी का व्यवहार पुनर्बलन से निर्देशित होता है। पुनर्बलन से तात्पर्य किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे सुखकारी उद्दीपन की उपस्थिति है जिसके कारण व्यवहार की दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ जाए। मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसके अनुसार है? मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह कथन है किसका? क्रुक्स एंड स्टेन का। किसका कथन है? क्रुक्स एंड स्टेन का। नेक्स्ट है, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो उपलब्धि प्रेरणा जो है वह संबंधित है व्यक्ति की आवश्यकता से। किससे संबंधित है? व्यक्ति की आवश्यकता से। उपलब्धि प्रेरणा जो हमारी आवश्यकता होगी उसी की तो हम उपलब्धि करेंगे। तो उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकता, प्रारंभिक उच्च उपलब्धि प्रेरणा, दूसरा इरादा विफलता से बचने के लिए है। व्यक्तिगत उपलब्धि प्रेरणा एक इरादा सफलता की तलाश है जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एंड दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अन्य 3-4 वीडियो में अभी अभिप्रेरणा के बारे में ही बताया जाएगा। और एक लगातार अगर मेरे सभी टॉपिक को, सभी वीडियोस को आप देखते जा रहे हैं, तो अवश्य आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस भी कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।